मास्टर ऑफ नथिंग बट क्या बोलते हैं जैक ऑफ ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर नथिंग तो ऐसा नहीं करते हम हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक मास्टर है हर सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी अलग है एकेडमी में करीब पौने दो सौ से ऊपर कोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के जिसमें एस्ट्रोलॉजी से लेके हिलिंग तक की सारी मॉडलिटीज कवर होती है अकेडमी में अकेडमी बिलीव इन दी Open uh, open transparent and equal opportunity policy. And so for that matter, Academy work for couple of things which is important for women empowerment. one say, uh, which wherein the academy all staff is women. So Academy try to uh, uh, support the women, especially though belongs to the weaker section so that they get a better opportunity and comfortable work area. एकेडमी हर व्यक्ति ऐसा जो कि जिसके अंदर इच्छा होती है जागरूकता होती है उनको सपोर्ट करती है चाहे वो लर्नर हो चाहे वो मास्टर टीचर हो सो इफ दी कोर्स नॉट अवेलेबल विद एकेडमी एकेडमी हैव इक्वल एंड ओपन पॉलिसी फॉर दो मास्टरिंग सो अकेडमी बिलीव इन टू डेट अकेडमी की कोशिश हमेशा रहती है कि अकेडमी कम से कम मूल्य में आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करें एज बेस्ट पॉसिबल एंड ये औकर्ड साइंस की विद्या को दूर तक फैलाए देश विदेश में फैलाए सब जगह फैले कुछ हम आपको दे रहे हैं कुछ आप आगे फैलाएं और ये फैलती चली जाए सो एकेडमी इस चीज में बिलीव करती है कि आप लोग जो भी सीखते हैं करते हैं उसको फर्दर स्प्रेड करें इन द फॉर्म ऑफ योर कंसल्टेंसीज नॉलेज एजुकेशन टीचिंग वॉट वे द यू फील राइट अकेडमी चीजें बिलीव नहीं करती कि आपने हमसे कुछ सीखा तो आप आगे नहीं सिखाओगे बहुत जगह ऐसा होता है कि आपने हमसे सीखा तो आप आगे नहीं सिखाओगे अकेडमी डोनोट है यूनिवर्सल साइंस हमारा कोई धरोहर नहीं है ये हमारे पूर्वजों की जागीर नहीं है ये सो वी बिलीव इन ओपन पॉलिसी वेयर यू स्प्रेड इट फॉरदर और तभी ये बढ़ेगी जो कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है अदरवाइज ये तबीयत बढ़ेगी नहीं सो so, ये कुछ एकेडमी की uh, कुछ प्रिंसिपल्स है जिसपे एकेडमी हमेशा फॉलो करने की कोशिश करती है विदोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड इट्स बीन मोर देन थ्री दैट एकेडमी इज परफॉर्मिंग एंड डूंग मेरा नाम राजीव गोयल है और uh, मुझे करीब मैंने दो से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और uh, सीखते सिखाते आज हम आपके समक्ष हैं आज की कक्षा भिगड़ी नाड़ी पे है भिगड़ंदी नाड़ी भिगुर ऋषि और आनंदी ऋषि इनका कॉम्बिनेशन है जो आरजी राव साहब जी ने बनाया था एक्चुअली देन उनकी है ग्रेटिट्यूड टू आरजी राव साहब उनके माध्यम से ये प्रणाली हम सबके समक्ष पहुंची है तो सारी चीजें कहीं ना कहीं निकलती तो सब प्रशर से ही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आती है <coughs> लेकिन हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है तो वो कुछ ऐसे महान आत्माएं जन्म लेती हैं जिनका नजरिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है डिवाइन दे, पावर उनके साथ काम कर रही होती है कि उनके नजरिए से कोई एक नई साइंस विकसित हो जाती है तो ये भी आरजी राव साहब के माध्यम से विग्रोंदी नाड़ी एक साइंस बनी जिसको काफी अप्रिशिएट किया जाता है और इज ए वेरी पावरफुल साइंस साइंसो भिग्रंथी में खास बातें है ये हैं कि भिग्रंथी नाड़ी प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में काम करती है प्लैनेट के साथ भाव की इतनी महत्वता नहीं देती है प्लैनेट किस राशि में है किस दिशा में है और उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट कनेक्ट कर रहे हैं ट्राइन से और दो बारह से हम सारी एक्टिविटीज को देखेंगे व्हाट इज ट्राइन व्हाट इज दो बारह सब देखेंगे तो प्लैनेट कॉम्बिनेशन में कौन सा आगे है डिग्री में कौन सा आगे है कौन सा पीछे उससे क्या हमारी रहा है, उससे तो चार्ट में जो आपके आया है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह की हमें यह समझना चाहिए चार्ट में जो आया वो तो हमारे चार्ट का डेस्टिनी डिजाइन आ गया विच इज कॉल्ड योगास वो हमारे पास आ गया इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंटली हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो दशाएं और ट्रांसिट के माध्यम से घटती ट्रांजिट और ट्रांसिट right? ये दो एक्टिविटी जो सबसे अच्छी यूज होती है वो भिग्रदी नाड़ी में यूज होती है भिगरुंदी नाड़ी की मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटी ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है योगा तो उसमें एज ए एज सूत्र के नाम पे काम करते हैं लेकिन वो योगा कब घटता है कब उसको हासिल होगा वो ट्रांजिट के बेस पे आता है हमारा ये कार्यक्रम करीब दो महीने का कार्यक्रम है ये इसके बाद दो महीने का एक लेवल नया आगे करेंगे लेकिन ये इसमें हमारी करीब अठारह से बीस क्लासेज होंगी नॉर्मली दो महीने में सोलह होती है मैं हमेशा सोलह बोलता हूँ बट मेरी सोलह में खत्म होती नहीं है बीस बाईस चौबीस तक जाती, जाती जाती है जो मेरे बाकी सब्जेक्ट के

और वो जो संभावनाएं बनती है वो क्या रिजल्ट दर्शाती हैं क्या देती हैं उसकी कुछ हम एक ब्रॉड व्यू में कुछ झलकियाँ आज हम देखेंगे हम तीन एस्पेक्ट देखेंगे आज एक प्लैनेट वीक और स्ट्रॉन्ग की परस्पेक्टिव से देखेंगे कि विग्रंदी किसको वीक और किसको स्ट्रोंग क्या रही है एक हम ट्रांजिट के परस्पेक्टिव से देखेंगे तीसरा हम योग के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि प्लैनेट जो पोजीशन हो किसी चार्ट के अंदर जिस तरीके से उसमें क्या किस तरीके से उसको रिलेट करता है तो तीन परस्पेक्टिव पे हम प्रकाश डालेंगे और उसकी डिटेलिंग करेंगे हम आने वाली जर्नी के अंदर फिलहाल हम आज तीन पे काम करेंगे यहां तक होने के बाद अभी नाउ इट्स एनी थिंग टू से इंटरेक्शन सेशन बेटर होता है मैं आपको समझ पाता हूँ तो आप मेरे को समझ पाते हैं जी योर टर्न किसी का कोई भी जिज्ञासा इस टाइम पे अभी है तो यू कैन आस्क फ्रीली कोई क्वेश्चन नहीं किसी का ऑल राइट सो मेरा एक क्वेश्चन है आप में से कितने लोग हैं जिनको बिगनंदी नाड़ी आती है डू वी हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी Uh, कीर्ति जी कीर्ति जी अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज वेर आर यू ऑन है सर ऑन है कीर्ति जी बेसिक हम बेसिक एक्टिविटी करेंगे प्लैनेट की हम एट्रीब्यूट्स को जानेंगे ये हम करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर नहीं करेंगे इसमें हम प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट को जान के पूजा मी यूपी शायर से चार्ट ले लीजिए प्लीज टू एक्सप्लेन मैडम वी आर नॉट पुटिंग एनी बडी पर्सन चार्ट then it will be a distraction we are here to learn not to work on personal chart personal chart pe kaam kar rahe hain to aap individually ka baat kar sakte hain we are here to learn basic principles of BNN. sir so, do you have to have uh, basic knowledge of astrology सो सर बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बेसिक्स हमें चाहिए वो हम आपको बताएंगे उनतरा उनतरा हम कार्यक्रम तो बताएंगे नारे का नारे हमें कुछ भी हाँ sir कोई बात नहीं हम आपको कुछ videos देंगे बिफोर द क्लास वोल आपको वो वीडियो देखने होंगे okay. करीब सात या आठ कुछ वीडियोज होंगे नॉट वेरी श्योर बट कुछ होंगे जो आपको टीम देगी हमारी अकेडमी की वो वीडियोज आपको पहले देखने पड़ेंगे एक बार दो बार उन वीडियोज को देखे अंडरस्टैंड करेंगे आप और उसके बाद हम जब क्लास शुरू होने से पहले आपको स्टार्टिंग की क्लास के अंदर आपको कुछ हम सारे प्लान के कारक दे देंगे बता देंगे

ज्यादा परस्पेक्टिव से हमेशा हमें को यह रहता है हम मतलब एस्ट्रोलॉजी जब इंसान करता है सबसे पहले देखता है फाइनेंस कैसा है एनी एक्टिविटी इंसान सबसे पहले फाइनेंस पे आता है बीएनएन क्या कहता है फाइनेंस के विषय में बीएनएन कहता है शुक्र इज अ कारक प्लेनेट फॉर फाइनेंस सो हर सब्जेक्ट का कारक प्लैनेट है हम जानेंगे जितने भी लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह लिख रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनल डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम्स वी आर हेयर टू लर्न द एक्टिविटी, नॉट फॉर पर्सनल प्रोडिक्शन आप अपना पर्सनल प्रोडिक्शन करेंगे एक का होगा हमें यहाँ पे एक्टिविटी लर्न करनी है और पर्सनल प्रोडिक्शन के लिए आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं सो so, शुक्र जो है फाइनेंस का कारक है BNN के माध्यम से नाड़ी कहता है शुक्र फॉर फाइनेंस कहता है शुक्र में दो चीज इंपॉर्टेंट है पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है लूजिंग मनी के क्या योग हो सकते हैं और गेटिंग मनी के क्या योग हो सकते हैं अगर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ हम डिटेलिंग में बात करेंगे बार मोटा मोटा आप समझें बात को बीएनएन एन ट्राइन के ऊपर काम करता है क्योंकि ट्राइन के अंदर आई हुई राशियां एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं हमेशा जिनको नहीं पता वो बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको आइडिया मिल जाएगा जब वो दस क्लासेस या आठ क्लासेस का हमारा सब्जेक्ट ले लेंगे तो उनको वहां से मिल जाएगा ट्राइन की राशियां हमेशा एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं उनके सॉरी <coughs> सॉरी उनके नक्षत्र भी एक ही आते हैं और उनकी एलिमेंट्स भी एक ही आते हैं सो so, बीन ट्राइन पे काम करती है बीनन दो बारह पे भी कनेक्ट करती है यानी कि अपने से आगे बैठा हुआ प्लान और अपने से पीछे बैठा हुआ प्लैनेट और सातवीं दृष्टि का भी भी प्लान कनेक्ट करती है तो शुक्र अगर गुरु से कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है हम ये देखना देखेंगे कि कितना मजबूत कॉम्बिनेशन है इसको हम जानेंगे बाद में बट अगर शुक्र गुरु से कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है नेटल चार्ट में शुक्र शनि से कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है शुक्र राहु से कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है शुक्र बुद्ध से कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है नेटल चार्ट के अंदर तो ये पैसे के योग कहलाते हैं बीन के परस्पेक्टिव से अगर यही शुक्र अगर केतु से रिप्रेजेंट कनेक्ट कर, करता है चंद्रमा से कनेक्ट करता है तो ये पैसे के नुकसान के योग बाय डिफॉल्ट नेटल चार्ट बने होते हैं गुरु अगर केतु से कनेक्टेड है शनि अगर चंद्रमा से कनेक्टेड है तो ये मनी लूजिंग के योग बीएनएन कहता है कि ये बाय डिफॉल्ट योग है आपके नेटल चार्ट में ये तो बने हमारे जब योग बाय डिफॉल्ट हमारे पास चार्ट में आ है बीएनएन की घटनाएं ट्रांजिट से देखी जाती हैं बीएनएन कहता है शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट में जब गुरु गोचर करेंगे शुक्र के ऊपर से गुरु शुक्र की राशि में सचिन जी इट इज गुड इफ यू कैन पार्क योर you और यू राइट योर you विद put इट इन द लास्ट राइट शुक्र के ऊपर से जब गुरु गोचर करेंगे ट्रांसिट में शुक्र के ऊपर से जब गुरु गोचर करते हैं ट्रांसिट में और गुरु का गोचर लंबा गोचर होता है गुरु का गोचर एक साल का गोचर होता है तो ये जो योग बनता है ये पैसा है क्या आने का योग बनता है शुक्र गुरु अगर ऑलरेडी हमारी नेटर चार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट योग में बने हुए हैं तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है और उसमें भी जब ट्रांसिट में गुरु शुक्र पे से जाए शनि शुक्र पे से जाए राहु शुक्र पे से जाए तो, <coughs> और बुध और शुक्र पे से जाए तो ये मनी मनी जनरेशन योग बनते हैं पे से जाता तो राहुल तो हो रही है पे से जाता, और पे नुकसान होती है दिक्कतें आती है बट विद रिस्पेक्ट टू मनी इट्स और यही योग अगर हमारे बर्थ चार्ट चार्ट में बोने होते हैं तो इट्स ए पावरफुल एक्टिविटी इन योगों को हम चार्ट के माध्यम से लगा के देखेंगे अपने आने वाले आगे सब्जेक्ट में हम सारी एक्टिविटी चार्ट के ऊपर करेंगे हम सारी एक्टिविटी चार्ट पे करेंगे और चार्ट वो आप लोगों के अपने चार्ट भी होंगे कुछ सैम्पल चार्ट से करेंगे आपके नेटल चार्ट में जहां पे शुक्र की प्लेसमेंट है उसके ऊपर से शनिदेव जाए उस पर शनिदेव जाए लेटर से आपके नेटल चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट भाव नंबर वन में है और शनि का ट्रांसिट भावनवा पांच से जा रहा आपके नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग तो ट्राइन की कनेक्टिविटी बन गई तो ट्राइन की कनेक्टिविटी बन गई यानी कि शनि पांच से शनि एक पांच नौ का ट्राइन क्रिएट करेगा वह शनि एक पांच नौ का ट्राइन क्रिएट करेगा दिस इज द टाइम फॉर यू टू जनरेट मनी दिस इज अ गुड पीरियड फॉर यू टू जनरेट मनी

तो ये एक अच्छा टाइम होता है जनरेटिंग मनी दो बारह की कनेक्टिविटी में दो का काम अच्छा करता है लेकिन बारह का काम इतना अच्छा नहीं आता यानी कि शुक्र के पीछे शनि देव है शुक्र के पीछे ट्रांसिट के शनिदेव शुक्र बैठा एक में शनिदेव बैठे बारह में या शुक्र बैठा दो में शनिदेव आ गए एक में तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मनी इज बेटर जब शनिदेव शुक्र को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे तो क्रॉस करके आगे जा चुके हैं तो थोड़ी पैसे चलता है लेकिन वो वीक योग है वो वीक है बी उसको दो बारह का योग बोलता है लेकिन वो वीक है अगर पीछे से आ रहा है तो पीछे से आता हुआ पैसे एक, बनाता हुआ लेके आ रहा है योग क्रिएट करता हुआ लेके आ रहा है आगे निकला हुआ शनिदेव योग को आगे बढ़ा रहा है योग खत्म होता हुआ हो जा रहा है वो तो वो वीक योग है वो <laughs> इसी प्रकार से लूजिंग मनी के एस्पेक्ट पे देखते हैं हम जब केतु केतु अगर ट्रांजिट में शुक्र से कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं केतु का गोचर डेढ़ साल का होता है बड़ा गोचर है हम बड़े गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बड़े गोचर इफेक्ट डालते हैं जीवन में शनि ढाई साल है गुरु एक साल है केतु डेढ़ साल है तो ये इफेक्ट डालते हैं जीवन में अगर केतु शुक्र से एक पांच नौ में या सात में कनेक्टिविटी क्रिएट करता है तो ये इफेक्ट डालता है और केतु शुक्र के, के केस में रिवर्स होगा क्योंकि केतु रेट्रोग्रेड चलता है तो यानी कि के केतु दो में है शुक्र एक में है तो रेट्रोग्रेड है तो वो इफेक्ट ज्यादा डालेगा अगर केतु बारह में आ गया शुक्र एक में है तो वो वीक योग हो, हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्रॉस कर गया रेट्रोग्रेड प्लेनेट है वो होप यू सेंस यस नो हा ना हा ना आवाज नहीं आ रही किसी की सबके बाइक सेल्फ ओपन है yes yes understood yes sir understood sir thank you sir okay. yes sir केतु ये इस प्रकार से योग को योग क्रिएट करता है ट्रांसिट के माध्यम से अगर हम शुक्र और चंद्रमा की बात करें चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है सवा दो दिन के अंदर चेंज करता है चंद्रमा एक सडन घटना है सडन घटना चंद्रमा की जब घटती है जब ऑलरेडी हमारे नेटर चार्ट के अंदर योग बना हुआ हुआ है शुक्र चंद्रमा का शुक्र केतु का और जब चंद्र शुक्र के ऊपर से चंद्रमा या चंद्रमा गोचर करे या शुक्र केतु का बना हुआ है उस पर चंद्रमा गोचर करे तो ये योग घटित होने की संभावना बढ़ा देगा क्योंकि ये योग बना होना चाहिए क्योंकि सवा दो दिन में तो चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा अगर योग जब ही घटेगा जब ऑलरेडी आपके पास नेटर चार्ट के अंदर ये योग होगा अब चंद्रमा का गोचर है चंद्रमा का गोचर सवा दो दिन का है तीस दिन के अंदर वापस घूम के आ जाएगा दोबारा से क्योंकि तीस दिन चलेगा वो तो फिर वापस आ जाएगा फिर तीस दिन में तो हर हड़तीस दिन के बाद क्या झटका लगेगा नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी काम करेगी आपकी दशा की यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी काम करेगी दशा की ये प्रभाव क्रिएट करेगा ये वातावरण क्रिएट करेगा दशा अगर परत्... अनुकूल नहीं है दशा विपरीत है ये झटका दे देगा दशा के अंदर इस द, दशा में हम नॉर्मली महादशा अंतरदशा और प्रतिंतर दशा तक ही देखते हैं ये प्राण सूक्ष्म दशा प्राण दशा पे कार्य करता है और ये सब्जेक्ट सूक्ष्म दशा प्राण दशा का सब्जेक्ट अच्छा बी के अंदर आता है नॉर्मल दशाओं पे जो लोग काम करते हैं नॉर्मली तीन पे ही होता है महा अंतर और प्रत्यंतर एमएपी बट ये एक्टिविटी काम करती है सूक्ष्म दशा पे और दशा पे क्योंकि वो चलते हैं दस दिन बारह दिन और एक दिन दो दिन ऐसे चलते हैं वो तो ये एक्टिविटी वहां काम करती है तो उसको वहां से कनेक्ट करना पड़ता है कि सूक्ष्म दशा के अंदर आपके पास जब चंद्रमा का गोचर आया सारे ऑल टूगेदर इफेक्ट जब इकट्ठे हुए इज दिस क्रिएटिंग एनवायरमेंट इफ दिस टूगेदर क्रिएटिंग दिस विल हैपन इंपैक्ट विल पैरामीटर वन इज द योग इनटू योर चार्ट सेकंड द ट्रांजिट ऑफ दिस प्लैनेट ऑफ चंद्रमा विथ केतु और चंद्रमा इट्स सर यानी कि शुक्र केतु का योग बनाओ शुक्र चंद्रमा का योग बनाओ विथ उसके ऊपर चंद्रमा शुक्र पे देन आपकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा क्या क्या रही है सूक्ष्म दशा प्राण दशा का जो ऑर्डर आता है वो महादशा और अंतरदशा से आता है महादशा अंतादशा अगर फे, आपकी फेवरेबल नहीं चल रही है विद रिस्पेक्ट टू शुक्र विद रिस्पेक्ट टू प्राण दशा महा, आ, आ, दशा विद रिस्पेक्ट टू चंद्रमा नेगेटिव आई है तो ये एटमोस्फियर क्रिएट करेगा झटका देगा डंट देगा देंट देगा ये उस टाइम पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इस नुकसान के फाइनेंशियल लॉस का इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे जब हम चार्ट पे काम करेंगे ये एक सूत्र के माध्यम से मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ आज क्योंकि छोटी क्लास है और सूत्र के माध्यम से सूत्र ही दिए जा सकते हैं अभी इस क्लास में तो <laughs> इसी प्रकार गुरु और केतु शनि और चंद्रमा भी योग बनते हैं नुकसान के गुरु केतु के अंदर अगर योग बना हुआ है गुरु केतु में और केतु का गोचर गुरु पे आ जाता है केतु का गोचर गुरु पे आ जाता है केतु का गोचर गुरु पे आ जाता है तो ये झटका देने की संभावना क्रिएट करता है डेढ़ साल का गोचर है अब डेढ़ साल के अंदर क्या हमें दशा क्यों नहीं देखनी पड़ती देश आर में दशा बदल जाती है अंतशा से लेके प्राण दशा तक दशा बदल जाती है ठीक है डेढ़ साल के पीरियड में तो इसलिए बहुत मोटा मोटा काम नहीं करना पड़ता आपका एक ब्रॉड व्यू में काम हो जाता है महादशा भले ही नहीं बदलेगी बट अंतरदशा से लेके प्राण तक बदलती ही बदलती है सारी दशाएं ठीक तो इसलिए ये आपको एक एडवांटेज वहां पे मिल जाता है अंतर से नहीं मिलेगी तो पतियंतर से तो बदलेगी ही बदलेगी दशाएं ठीक तो इसलिए बड़े प्लेनेट के अंदर ज्यादा मगज़बानी नहीं करनी पड़ती है अगर आपके पास ये रिजल्ट्स अगर आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आप ये हमने देखा योग के माध्यम से कि हमारी पतरी में योग बने हुए हैं अगर योग बने हुए हैं तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट uh, करेंगे इन द फॉर्म ऑफ योग प्लस ट्रांसिट अब हम देखते हैं कि बीएनएन किस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कहता है और किस प्लैनेट को वीक कहता है बीएनएन कहता है और इसको देखेंगे कैसे हम दो टेबल बनाएंगे इसकी जब भी करेंगे काम हम इसमें दो टेबल बनाएंगे एक साइड में स्ट्रोंग की टेबल बनाएंगे एक साइड में वीक की टेबल बनाएंगे और उसको हम नंबर देंगे एक नंबर वीक का और एक नंबर स्ट्रोंग का स्ट्रॉन्ग कब होता है प्लैनेट वो कहता है जब एग्जॉल्टेशन एग्जॉल्टेशन राशि में होगा तो वो स्ट्रांग है एक नंबर मिलेगा जब डैब्ल्यूशन में तो वीक है वहां पे भी एक मिलेगा दोनों से एक ही बारी में एक ही होएगा दोनों नहीं हो सकते फ्रेंडली साइन में तो एक मिलेगा स्ट्रांग में एनीमे तो एक मिलेगा वीक में दोनों में एक ही होगा एसोसिएट एसोसिएटेड विद फ्रेंडली प्लैनेट है तो एक मिलेगा स्ट्रांग में <laughs> एसोसिएटेड विद एनिमी प्लान है तो एक मिलेगा वीक में एसोसिएटेड विद टू फ्रेंडली है तो एक मिलेगा स्ट्रॉन्ग में एसोसिएटेड विद टू एनिमी प्लान है तो एक मिलेगा वीक में एस्पेक्टेड फ्रेंडली प्लानट है तो एक मिलेगा तो एक मिलेगा स्ट्रॉन्ग में एस्पेक्टेड बाई एनिमी प्लान है तो एक मिलेगा वीक में अगर डिग्री में प्लैनेट जीत रहा है ये हम देखेंगे चार्ट पे। अगर डिग्री में प्लैनेट जीत गया तो एक मिलेगा स्ट्रॉन्ग पे और डिग्री में प्लैनेट हार गया इन वॉर ऑफ द प्लैनेट तो एक मिलेगा वीक को प्लैनेट अपनी राशि में है तो एक मिलेगा स्ट्रॉन्ग को प्लैनेट अगर कंबस्ट है तो एक मिलेगा वीक को द सम टोटल ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेट्स प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्ट्रेंथ को किसी प्लैनेट की देखने के लिए अब फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल विघुदिन नाड़ी कहती है विघुदीन नाड़ी कहती है कि किसी शादी के योग के लिए कुछ योग हैं ये और योग आएंगे बाद में गुरु और शनि गुरु और शनि का मेल अगर शुक्र के साथ है मेल चार्ट में नेटल चार्ट में तो ये शादी का प्रॉमिस दर्शाता है इसी प्रकार से गुरु और शनि का मेल मंगल के साथ है फीमेल चार्ट में तो ये शादी का प्रॉमिस दिखाता है अगर ये चार्ट में योग नहीं है तो क्या करें तो क्या शादी नहीं होगी शादी होगी तब यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट शुक्र की प्लेसमेंट मेल चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट फैमिलाइन चार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो प्लैनेट वीक पोजीशन में है या स्ट्रांग पोजीशन में है अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग पोजीशन में है सो देन प्लैनेट के शादी हो जाएगी अगर वो वीक में है और कोई मेल भी नहीं बन रहा है उसका तो पॉसिबिलिटी डिनाइल की बढ़ जाती है फिर हमें के रूल भी अप्लाई करने पड़ते हैं डिनाइल के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम देखेंगे बाद में उसमें केतु का राहु का योग आ जाता है कि केतु राहु किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं शनि से और वो एक्टिविटी करने से डिनायल ऑफ मैरिज का योग मजबूत हो जाता है फीमेल चार्ट में शुक्र से और फैमिल नहीं मेल चार्ड में शुक्र से और फीमेल चार्ड में मंगल से तो डिनाइल ऑफ मैरिज क्रिएट करता है फिर वो तो ये योग कनेक्ट करते तो इसलिए हम किसी प्लांट की स्ट्रेंथ के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है ताजिट अपने आप में काम करता सब जगह पे फॉर एग्जाम्पल मंगल मंगल का गोचर चालीस से पैंतालीस दिन का होता है ठीक है इस बीच में मंगल गोचर करता है चालीस से पैंतालीस दिन मंगल जब गोचर करेगा ये बाई डिफॉल्ट एक्टिविटी है क्योंकि हमारे को ट्रांसिट आती है अखबारों में वो भी चंद्रमा के गोचर से या सूर्य के गोचर से मंथली आती है साल की न्यूज आती है <coughs> डेढ़ महीने की मंगल <coughs> मंगल जब सूर्य पे गोचर करेगा तो फीवर मेंटल टेंशन स्टर्न बर्नस इंसान के अंदर गुस्सा इंसान के अंदर सहनशीलता की कमी ठीक एंगर यह दर्शाएगा, क्योंकि मंगल फीमेल कुंडली में हस्बैंड का कारक है तो हस्बैंड के बिहेवियर में ईगो या गुस्सेल ये क्रिएट कर देता है मंगल उस टाइम पे तो मंगल सूर्य पे जब गोचा करता है तो मंगल सूर्य से एक आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट बिहेवियर क्रिएट करता है जिससे एनिमिटी या हमारे फालतू के दुश्मन क्रिएट होते हैं जिससे हमारी सिचुएशन खराब होती है जिससे लोग हमारे से बिगड़ते हैं जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर बीपी के ऊपर फैट आ जाता है हमारा हार्ट आ, हार्ट की जो बीप है वो बढ़ जाती है हमारे कार्य में हर्डल्स आते हैं हम टेंस हो जाते हैं हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है हम रूल को तो फॉलो करने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन अग्रेसिव हो जाते हैं और उससे हमारी इश्यूज बढ़ जाते हैं और स्टेट बढ़ जाती है क्योंकि दोनों ही अग्नि वाले है दोनों अग्नि वाले प्लानोंग्निट अगर गोचर में मिल जाते हैं तो ये इश्यूज क्रिएट करते हैं तो क्या ये प्लानट गोचर को हम ट्राइन में देखेंगे या टॉप पे देखेंगे ट्राइन में वो प्रभावित करता है ट्राइन में वो प्रभावित करता है जब ऊपर बैठा होता है तो सिर के ऊपर बैठा हुआ वो सीधा डालता है सीधा बसाएगा सो so, ट्राइन में प्रभावित करेगा प्रभावित करने के अंदर हमारे को पुश करेगा पुश 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 करेगा वो उस बिहेवियर की तरफ उस एग्रेशन की तरफ जब हमारे पे ऊपर बैठा होगा वो तो तो करेगा सीधा स्टेट करेगा वो तो पुश नहीं करेगा वो करेगा स्टेट तो ये थोड़ा सा ट्रिकी डिफरेंस आता है बिटवीन द टू इसी तरह मंगल जब चंद्रमा पे से करेगा चंद्रमा किसका नेटल चार्ट का मंगल आ, किसका ट्रांजिट का चंद्रमा हमारा मदर का है जब उसमें काम करता है तो हमारी आ, माता की हेल्थ बदर की प्रॉब्लम क्योंकि आ, मंगल बदर को रिप्रेजेंट करता है मेंटल एंजाइटी फ्रिक्रिंग माइंडसेट इन सब चीजों को दर्शाता है फिर वो हमारा मेंटल टेंशन या रिटिंग बिहेवियर को दर्शाता है हमारे बिहेवियर में चेंज गाता है पहले वाले में गुस्सेल था अग्रेशन था एक रूडलीनेस था दूसरे वाले में एक टेंशन है एक मेंटल प्रेशर है एक थॉट्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो रहे वो अटक गए उसमें एक अनरेस्ट की पोजीशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जल्दबाजी बढ़ गई दिमाग में हबड़ा दबड़ी बच गई उससे एक्सीडेंट इंजरी संभावनाएं बढ़ती हैं तो मंगल जब चंद्रमा पर से गोचर करता है तो ये इश्यूज को क्रिएट करता है मंगल जब चंद्रमा पर से गोचर करेगा के मतलब इन द सेंस फीमेल के लिए घर में हसबेंड के साथ अनबन की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देता है माता के भी, माता के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है सिस्टर के साथ भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देता है मंगल अब बदर को लेकिन एक प्रोस्पेक्ट के लिए चेंज के लिए उग्रसर करता है तो यह प्लैनेट जब मंगल ने चंद्रमा पे से गोचर किया मंगल शुक्र पे से गोचर करता है मंगल शुक्र से गोचर करता है मंगल फीमेल की कुंडली में हस्बैंड है और शुक्र शुक्र फाइनेंस का कारक है सो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द फाइनेंशियल गेन टू दी हस्बैंड इंक्रीज ब्लड रिलेशन के अंदर और टीमेड रिलेशनशिप बढ़ जाते हैं, फ्रेंडलीनेस बढ़ जाती है, तो ये एक अच्छा टाइम निकलता है। मंगल जब शुक्र पे से गोचर करता है, मंगल शुक्र पे से गोचर करेगा, इंसान का जो खुद का दृष्टिकोण डा फीमेल की तरफ आकर्षण वो बढ़ जाता है, एक एक पैशनेट लाइफ की तरफ बढ़ जाता है, <laughs> लेकिन हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बीबी के साथ आर्गूमेंट बढ़ जाते हैं फीमेल के साथ आर्गुमेंटेटिव हो जाता है वो एंड वाइफ इट सेल्फ गेट इरिटेटिव तो ये नेगेटिव योग वाइफ के लिए बन जाते हैं हस्बैंड के लिए पॉजिटिव बन जाते हैं फेमिलाइन कमी से तो दोनों का इफेक्ट दोनों जगह से आता है यही मंगल अगर केतु के साथ करता है काम केतु के साथ काम करता है तो दो इंपैक्ट बहुत जल्दी आते हैं डिजायर फॉर पावर जल्दी से हमारे को पावर मिले और जल्दीबाजी के चक्कर में एक्सीडेंट जल्दीबाजी के चक्कर में नुकसान चोट पीट, जल्दबाजी में एक अड़ियलपन एक एक्टिविटी ऐसे आती है तो मंगल जब केतु के साथ कनेक्ट करता है तो हमारे में एक फूर्ति पैदा होती है अच्छी फूर्ति पैदा होती है बट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिस टाइम क्योंकि मंगल की एनर्जी केतुपल टाइम बढ़ बढ़ती है मंगल और केतु की कनेक्टिविटी बढ़ अगर हस्बैंड के परस्पेक्टिव पर, से देखेंगे वाइफ की कुंडली से तो मंगल केतु की कनेक्टिविटी हस्बैंड के लिए अच्छी नहीं है वो डिप्रेशन का शिकार होता है या उसमें एक लो फील फीलिंग क्रिएट करता है उन 40-45 दिनों में एक लो फीलिंग रहेगी लोगों से डीलिंग करेगा एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा जीवन में हर्डल्स क्रिएट करेगा एक अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा तो ये मंगल की कनेक्टिविटी केतु के साथ आएगी यही मंगल अगर देव से कनेक्ट करते हैं यही मंगल शनि देव मंगल शनि का बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है मंगल शनि का कनेक्टिविटी हरसमेंट का योग बनाता है नेटिव मे गेट हरेसमेंट फ्रॉम दी एनिमी अब हरेसमेंट का मतलब क्या है कि जबरस्ती उस व्यक्ति को कोई हरस करेगा देर आर वेरियस वेज टू हरस किसी ने गूगल उस पर आजकल फेसबुक ओपन है कुछ एक पोस्ट डाल दिया कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है अब वो एक आदमी बेकार में उसमें उलझ गया किसी ने ऑफिस के अंदर कुछ जबरस्ती बोल दिया कि तुम्हारा तो एटीट्यूड खराब है अब आदमी उलझ गया उसमें महीना भर निकल जाएगा डिस्टर्ब होगा तब तक मंगल अनवांटेड हरेसमेंट है अनवांटेड की प्रॉब्लम है एक फालतू की बिन मुसीबत से। तो ये छोटे टाइम के लिए क्रिएट करता है ये फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है ये एक्सीडेंट की संभावना भी, भी क्रिएट करता है तो मंगल अगर शनि से कनेक्ट करता है तो वर्क में इरिटेशन क्रिएट करता है छोटे टाइम का पीरियड है तो ये तो ईगो फैक्टर बढ़ा देता है और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी क्रिएट करता है उस समय पे। कि इंसान मानेगा नहीं जिद्दी हो जाएगा अपने में सुनेगा तो ऐसे में जो हरेसमेंट वाला इशू हुआ उसमें इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उस टाइम पे इंसान बोलेगा नहीं मैं इसको देखूंगा इसका मैं आंसर करूंगा व्यक्ति तो समझाएगा भाई छोड़ दे कोई बात नहीं थोड़े टाइम में देखेंगे नहीं मैं तो जवाब दूंगा इसका अभी दूंगा अभी करूंगा सुनेगा नहीं ये डिस्प्लेजर को भी क्रिएट करेगा और ये डिस्प्लेजर जो होगा हमारे कुलिक से हमारे बॉसेस से हमारे साथ के ऑफिशियल से काम काज के अंदर हमारे औ, और लोगों से तो ये क्रिएट करेगा यही मंगल हमारे को हेस्ट डिसीजन की तरफ प्रमोट करेगा प्रोवोक करेगा और ये नेगेटिव एंथुआइजम का एक कारक बन जाता है और यू कैन से लूज ऑफ लॉस ऑफ एंथोइज ये अननेसेसरी की एक्टिविटी है अननेसेसरी की समस्या क्रिएट करेगा जो लोग पेशे में है फोर्सेस के उनको पुश करेगा कि वो लोग हो सकता है उस समय पे पे उनका चेंज आएगा वो लोग क्या जाएंगे ठीक है तो तुम एक फ्रंट चले जाओ आदेश आएगा तुम फ्रंट पे चले जाओ जो लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं जो लोग मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं उन लोगों को और ज्यादा उस टाइम पे मेहनत मजदूरी या उनको फ्रंट पे डाल दिया जाएगा स्टार्ट फ्रंट एक्टिविटीज काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें शारीरिक परिश्रम का यूज करना पड़ता है ठीक उसमें इंसान की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा काफ़ी सारी जगहों पे आग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है जैसे किचन की एक्टिविटी है शेफ की एक्टिविटी है और और एक्टिविटी जैसे मंगल से रिलेटेड औजारों की एक्टिविटी होती है मंगल से रिलेटेड किसी भी कार्य में मेहनत मशक्कत की एक्टिविटी वो सब एक्टिविटी के लिए पैदल चलना खड़े रहना सिक्योरिटी के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस जिसको होते हैं यूनिफॉर्म ड्रेस मंगल को रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म ड्रेस यूनिफार्मिविटी जो होती हैं उन सबको मंगल रिप्रेजेंट करता है वहां पे आपको फोर फ्रंट पे ले आएगा पेशे में फोर फ्रंट पे ले आएगा और पेशे में जब फोर फ्रंट पे आएगा तो उस टाइम पे ये क, एक एक ज्यादा महत्व आएगा

सूत्र बनते हैं उसे हम कैसे देखेंगे एक बात दूसरी बात उस पे जब ट्रांजिट गोचर करेगा तो फल की प्रोडिक्शन कैसे आएगी दो बार तीसरा हम इसी को हम प्रोग्रेशन के माध्यम से करेंगे जो वर्चुअल ट्रांजिट है अभी आज हमने प्रोग्रेशन को टच नहीं किया प्रोग्रेशन में एक प्रोग्रेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है मतलब क्लास में करनी पड़ेगी तो प्रोग्रेशन को हम टच करेंगे उसमें प्रोग्रेशन पूरा करेंगे उसमें तीन बात चौथी बात इस कॉम्बिनेशन से हम जो योग बने हुए हैं और योग घटित करने के लिए किस तरीके से उसको करेंगे लाइस करेंगे इसके ऊपर हम करें, करेंगे अब छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं आजकल फॉरेन ट्रैवल का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है फॉरेन ट्रैवल के लिए बेगुनंदी के परस्पेक्टिव से दो इंपॉर्टेंट ग्रह देखते हैं लॉन्ग ट्रैवल में चंद्रमा और राहु को और केतु को शॉर्ट ट्रैवल के लिए ये के से अब जिसकी कुंडली के अंदर बाई डिफॉल्ट गुरु चंद्रमा राहु का योग है या शनि राहु चंद्रमा का योग है ये लॉन्ग फॉरेन का डिफ़ॉल्ट योग बना दिया उसने जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडली में योग कुंडली में योग पहले समझना चाहिए तो कुंडली में योग है तो घटना घटेगी ट्रांजिट के माध्यम से अगर कुंडली में योग नहीं है तो घटना घटेगी नहीं छोटा मोटा एक टूर मार लिया दो चार दिन का तो बस इतना ही होगा वो तो आजकल दुनिया में बहुत लोग मारते हैं उस, इसमें इतना इंपैक्ट नहीं है ज्यादा कुछ नहीं होगा यही अगर राहु की जगह केतु आ जाता है यानी कि चंद्रमा के साथ गुरु उसके बाद राहु लंबा केतु छोटा यही शनि के साथ चंद्रमा राहु बड़ा केतु छोटा केतु छोटा तो ये एक्टिविटी जब आती है तो ये हम इसको यहां पर लेट करेंगे विग्रंथी में मंगल जो है हमारा शरीर है धड़ है सूर्य आत्मा है और गुरु जो है हमारा सेल्फ कारक है अगर ये एस्पेक्ट करते हैं चंद्रमा को राहु को केतु को ये एस्पेक्ट करें चंद्रमा को राहु को केतु को तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग दी योगा इन दी ने बिकम स्ट्रॉन्ग और शनि एस्पेक्ट करे मंगल चंद्रमा राहु केतु क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक है तो इंसान प्रोफेशन के परस्पेक्टिव से निकलेगा अगेन मनी शनि प्रोफेशन का कारक है बीएनएन में तो इंसान प्रोफेशन के परस्पेक्टिव से आगे जाएगा अगर योग है और जब शनि इन्वॉल्व होता है तो प्रोफेशन के लिए इंसान आगे जाएगा तो इस सब्जेक्ट को हम इन की पॉइंट्स को हम योग के प्रस्पेक्टिव से हम नेटल में देखेंगे ट्रांजिट पे लगाएंगे प्रोग्रेशन पे लगाएंगे अब कुछ हद हाँ तक दशाओं पे कनेक्ट करेंगे ये हमारा सब्जेक्ट की रूपरेखा रहेगी और कोर्स के पर्सपेक्टिव से मैं अभी स्क्रीन निकाल के कोर्स की डिटेल भी दे हूँ यस नाउ ओवर टू यू जी क्यूएनए सर ये शनि का गोचर तो ढाई साल का होता है यस yes. तो ये यदि मंगल का तो जैसे डेढ़ महीने का ही होगा शनि yes, yes. लेकिन शनि का तो ढाई साल के लिए होगा मंगल पे yes. तो ये ज़्यादा हार्मफुल होगा शनि शनि वाला शनी का गोचर मंगल पे जब आएगा ढाई साल का आएगा ठीक बात आ, है और जब शनि का गोचर मंगल पे ढाई साल का आएगा तो उसकी पर्सपेक्टिव से शनि के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो ज्यादा कष्ट देगा ना अब बाल लो यही शनि अब अभी कर लेते हैं शनि का गोचर मंगल पे आ गया शनि क्या प्रोफेशन का कारक क्या मंगल ऊर्जा है प्रोफेशन के कारक में प्रोफेशन के कारक में मंगल ऊर्जा के ऊपर शनि आ है ऐसे केसेस के अंदर हमारे को प्रोफेशन के अंदर मेहनत जो है ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बैठा हुआ प्लैनेट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है पीछे बी एन ऐसे कहता है कि बैठा हुआ प्लान एनर्जी को पुश करता है रिवर्स पुश करता है ठीक उस केस में शनि की प्रोफेशनल एस्पेक्ट के अंदर परिवर्तन आएंगे मेहनत बढ़ेगी हमारे कार्य टफ हो जाएंगे हमारी पसीना अगर है तो पसीना जॉब ऐसी है तो उसमें पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा और अन्यथा चेंजेस आ जाएंगे मंगल क्या है मंगल है टेंशन ईगो पित्त एसिडिक और शनि क्या है पास्ट कर्म शनि क्या है यहाँ पे शनि है यहाँ पे प्रोफेशन का कारण और टेंशन ईगो के ऊपर प्रोफेशन बैठ गया आके पित्त के ऊपर वायु बैठ गई आके पित्त पे वायु बैठेगी तो पित्त को बढ़ाएगी टेंशन ईगो के ऊपर कर्म आगे बैठेगा तो टेंशन ईगो के माध्यम से कर्म डिफर करेगा अब शनि का हुआ कारक हमारे व्यवसाय का अब मंगल हुआ हमारी ऊर्जा का तो ऊर्जा को बढ़ाएगा हमारे प्रोफेशन में अब टू बैलेंस इट हमें अपनी जीवन को चैनलाइज करना पड़ेगा उस ज्यादा एनर्जी के लिए अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो बेकार में लड़ाई झगड़ा करेंगे या एक्सीडेंट का पात्र बन तो अब वो पीरियड आ गया जहां पे कह क्या रही है कि भाई मेहनत कर काम को बढ़ाओ काम कर तब तुम्हारी उद्धार होगी अब वो उधार वो वो अपने तरीके से चलता रहेगा व्यक्ति इस कंडीशन इस को प्राथमिकता नहीं देगा तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा क्योंकि एनर्जी तो पीछे से आ ही रही है और एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा है शनिदेव के साथ तो एनर्जी उसका नुकसान करेगी इन टर्म्स ऑफ आर्गूमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स ठीक है ये हेल्थ को भी तो हाँ तो खराब करेगी एक्सीडेंट है सर जब पुश करेगी जब और काम नहीं करेगा इंसान तो स्ट्रेस क्रिएट करेगा जब इंसान के ऊपर काम का पैदभाव बढ़ता है काम ज्यादा करना है और काम करेगा नहीं व्यक्ति तो स्ट्रेस क्रिएट होगा एक एंड स्ट्रेस क्रिएट होगा तो इंसान के अंदर विकार पैदा होंगे अब वो विकार जो होंगे इन द सेंस ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकते हैं हार्ट के रूप में हो सकते हैं शुगर के रूप में आ सकते हैं ठीक थायराइड के रूप में आ सकते हैं मोटापे के रूप में आ सकते हैं कहा आएंगे दो तरीके से देखते हैं इसको हम ये का पार्ट नहीं है आप बता रहा लेकिन मतलब इस जर्नी में नहीं है एक तो जो प्लान कमजोर है वो हिट करेगा उस जगह पे दूसरा बॉडी का जो पार्ट कमजोर है वहां पे हिट करेगा शनि की बड़ी सिंपल फिलोसफी है बॉडी का जो पार्ट वीक होगा शनि वहां पे हिट करेगा और वो वीक पार्ट जो होता है वो जनरली प्लैनेट से लेट करता है कि कौन सा प्लैनेट हमारी कुंडली का वीक है उसका क्या बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है शनिवार हिट करेगा और आप देख रहे ज्यादातर लोगों को उन्हीं जगहों पे बार 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 तकलीफें होती हैं शनि एग्जांपल के तौर पर बताता हूं शनि टांगों का कारक है टांग दो होती है एक लेफ्ट एंड राइट हर एक के पास ऐसी है हमारा शरीर राइट साइड से सूर्य को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट साइड से चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है अब जिस व्यक्ति का शनि वी को मान लो अपने आप में नटा चार्ट में और जिस व्यक्ति का चंद्रमा वी को दो चीज वी को गई जब जब मौका मिलेगा शनि देव को वो उसके पैर को हिट करेगा अब वो हिट किस रूप में होगा चोट के रूप में होगा अब चोट कैसी हो सकती है टूट भी सकता है नहीं भी टूटेगा कुछ तो अब चोट टूटने की हुई तो वहां पे सूर्य भी वीक है तभी हड्डी टूटेगी टूटेगी बार बार ठीक? या कई लोगों के पैर मोटे हो जाते हैं चलने में दिक्कत होती है फिर उन्हें वहां गुरु की दिक्कत आएगी कई लोगों की नफज़ में प्रॉब्लम आ जाती है वहां बुध की दिक्कत आएगी राइट कई लोगों की स्किन खराब हो जाती है से दाने, दाने से हो जाते हैं वहां बुध की दिक्कत आएगी तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर ये पार्ट नहीं है हमारी इस जर्नी का आपने पूछा तो मैंने बताया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कहाँ पे हिट पड़ेगा आपकी बॉडी पार्ट क्या वीक है और आपका प्लान कहाँ वीक है उससे हमारे बॉडी पे इफेक्ट आता है ठीक है जी सबकी बतिया बंद है कृपया करके बतिया खोले अगर अच्छा लगा तो बताए नहीं अच्छा लगा तो भी बता दें इफ यू फाइंड द सेशन इज मीनिंगफुल प्लीज टेल नहीं है तो भी बता दें

जी आप एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से से हैं हैं? या नहीं नहीं नो uh, सर no, एस्ट्रोलॉजी तो मैं बट जितनी हमारे को बी के लिए चाहिए बताएंगे एंड वी स्टार्ट बी एन मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ वीडियो मिलेंगे आपको और वो वीडियो को करके फिर हम आगे बढ़ेंगे okay. इंपॉर्टेंट ये अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और एस्ट्रोलॉजी करनी है तो बी एन एन इज ए मस्ट चैप्टर जी सर प्लैनेट की कॉम्बिनेशन बी एन एन से अच्छा नहीं बताता प्लैनेट का ट्रांजिट बी एन एन से अच्छा नहीं बताता और ट्रांजिट और कॉम्बिनेशन के बिना एस्ट्रोलॉजी की नहीं होती जी, yeah. okay, जी. रजनी गुप्ता जी बताएं तो मैंने पहली बार ही अटेंड किया तो जी धन्यवाद मतलब मतलब बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं, नहीं आया मैंने पहले थोड़ा एक दो वेबिनार्स वैसे अटेंड किए थे तो मतलब तो जैसे मेरे बेटे की चार्ट में जो है सिक्स प्लेस पे जो चंद्रमा शनि और राहु है हम्म तो उसका फिर फॉरेन का प्रोफेशन का बनता है का बनता है कॉम्बिनेशन उसके प्लेसमेंट में आपने क्या बोला मतलब हाउस में हुँ. तीनों हैं चंद्रमा चंद्रमा शनि और राहु राहु है घर से दूर प्रोफेशन में जाएगा वो व्यक्ति वो व्यक्ति घर हाँ. पे प्रोफेशन नहीं करेगा जहाँ पे भी उसका आप रहते हो वहां नहीं करेगा ये व्यक्ति बट ये क्या कहते हैं इसका अब्रोड का अब्रोड तो नहीं जाएगा ये मतलब ये कंफर्म करना है मेरे को कि मतलब वैसे तो दूर रहेगा अब्रोड तो नहीं जाएगा ना तो आपको अब्रॉड से इतनी दिक्कत क्यों है नहीं अब्रोड नहीं भेजना चाहते हैं देखो छठा हाउस में प्लैनेट छठे घर के अंदर तीन प्लैनेट बैठे हैं there is a high possibility he will move out वैसे तो गुड़गांव में है अभी तो वैसे ही आईटी फर्म में हाँ जी आईटी फर्म में hmm. तो इसीलिए hmm. सोच रहे थे कि वो बाहर का नहीं सोच रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं कि कहीं बाहर तो सेटल नहीं होगा वो देखो छठे हाउस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर वापस आता है ये वापस आएगा लेकिन जाएगा बाहर जाएगा उसके बाद जा, जा चलो और इसका बंद भी, भी है आप इसे पूछ के देख लेना इसका बंद भी है अभी तक तो, तो ऐसा नहीं कहा उसने बट हाँ ये क्योंकि अभी अभी तो जस्ट ज्वाइन किया है इसने कोई बात नहीं तो टाइम है बता देगा आपको अच्छा अच्छा ठीक है जी तो हाँ जी हाँ जी तो फिर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन

कि yeah, तो मैं वो पूछी थी कि शुक्र पर शनि का गोचर मतलब ये है कि फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है बट और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा हाँ हर सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अगर एक जगह बेनिफिट दे रहा है तो रिजल्ट बाकी चीजों की जगह भी नुकसान देगा ऐसा नहीं है कि एक जगह बेनिफिट है सब जगह बेनिफिट ऐसा नहीं है hmm. इस कोर्स के अंदर हम नाड़ी के ऊपर काम करेंगे बिगड़ी नाड़ी पे काम करेंगे इंपॉर्टेंटली हम भाव भी कनेक्ट करेंगे जो ऑरिजिनली जो नाड़ी है उसके अंदर भाव कनेक्टिविटी नहीं है हम इसमें भाव की कनेक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में भाव भी कनेक्ट करेंगे ठीक हम राशि के साथ भी काम करेंगे इसमें प्लान के साथ भी काम करेंगे ट्रांसिट के साथ भी करेंगे भाव भी करेंगे दो प्लानिट या दो प्लानिटरी पोजिशन जब इकट्ठे अलाइंस के अंदर आ जाते हैं उसका क्या इफेक्ट है तीन प्लानी पोजिशन जब अलाइंस पे आ जाते हैं कंजेशन में होते हैं डायरेक्शन के, के माध्यम से तीन चार पांच प्लान आ जाते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे देखेंगे उसको हम वर्किंग करेंगे ट्रांजिट के बाद मैंने बात किया ट्रांजिट पे हम काम करेंगे प्रोग्रेशन पे हम काम करेंगे दशा पे हम काम करेंगे रेमेडीज आमतौर पर एस्ट्रोलॉजी होती है बट <coughs> कुछ रेमेडीज बीएनएन की अपनी है जिसपे हम काम करेंगे क्वेश्चन आमतौर पर जॉब से जाना case, के क्वेश्चन होते हैं और इन सारे बी एन बहुत ही उपयुक्त बाध्य है और बहुत शॉर्टकट के अंदर बहुत जल्दी कनेक्ट करता है बी एन के अंदर अच्छी बात ये आती है कि बी में ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता इधर उधर नक्षत्र पे जाओ उसके नक्षत्र के नक्षत्र में जाओ केपी की तरफ काम जाम में तो इतना ज्यादा बीएनएन में नहीं देखता बीएनएन सीधा-सीधा काम करता है कनेक्टिविटी किस प्लांट की बन रही है ट्रांजिट क्या चल रहा है प्रोग्रेशन देखना आ जाएगा प्रोग्रेशन क्या चल रहा है बस मोटा काम बीएनएन करंट वैसे ही से करता है तो दिस वे बीएनएन इज इजी सब्जेक्ट राइट पुटिंग ऑन द स्क्रीन कोर्स चौबीस तारीख से स्टार्ट है दो महीने का है ट्यूसडे थर्सडे कोर्स आएगा नौ बजे रात को सोलह क्लास मैंने बोला लेकिन मेरी नॉर्मली क्लास, क्लास यहाँ पे लिखी है कि फर्स्ट टाइम फीस थोड़ी एक्स्ट्रा होती है लेकिन नेक्स्ट टाइम फीस कम हो जाती है कोर्स की फीस इक्यावन सौ रुपए है जो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनकी डिस्काउंटेड फीस टू वन फोर है, और जो एजिस्टिंग है, उनकी 3, 1, है। वो हम उसमें फीस कम हो जाती है ये डिटेल है नंबर्स है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबर पे आप, आप फीस अपनी डिपॉजिट करते हैं कर सकते हैं और ये नीचे लिखे हुए दो नंबर का आप स्क्रीन शॉट रखते हैं पूरी विंडो का स्क्रीन ले सकते हैं और इससे आप संपर्क कर सकते हैं इन लोगों से और इन लोगों से आप आ, को फीस भी सबमिट कर सकते हैं एक अच्छी बात यह है कि हम हमारे यहाँ एक फिलोसफी एकेडमी के अंदर रिपीट फ्री की इट मीन्स एक आम तौर पे व्यक्ति नॉर्मली रिटेंशन पावर उसकी किसी सब्जेक्ट में 20 30 परसेंट होती है सब्जेक्ट टू कैपेबिलिटी आदमी पूरा रिटेंशन नहीं कर पाता कितनी भी कोशिश करता है छूट जाता है रिपीट फ्री के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब दोबारा कोर्स चालू होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेगा उसे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो ये वन टाइम रिपीट फ्री के अंदर इंसान को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा आओ दोबारा पढ़ो और अपने आप को पक्का करो सब्जेक्ट के लिए उसके लिए कोई फीस अकेडमी नहीं लेती है तो अकेडमी का हमेशा मोटिव है स्प्रेड नॉलेज और इस तरीके से जो आपको काम आए ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी इस पर किसी को कुछ बात करना शेयर बताना है तो यू आर ऑल वेलकम प्लीज स्विच ऑन योर विंडोज एंड प्लीज आस्क सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जी आ, आ, मेरे हस्बैंड के चार्ट के ट्वेल्थ हाउस में राहु बुद्ध मून और सन एक साथ है हुँ. और इनका प्रॉपर्टी का काम है वो अभी बिल्कुल डाउन है नहीं चल रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लैंड सेल नहीं हो रही है, बेकाम है। जी जी कोई दिक्कत है दूसरी बात अपने आइडियाज लोगों को बोल देते हैं और उनके आइडियाज को लोग यूज करते हैं यस सर दीको। दीको। जी अनर्जीज उनकी लीक होती है ब्लॉक द एनर्जीज कैसे करेंगे बात करेंगे आगे तो ये मेजर गैप है इन एनर्जीज को ब्लॉक करना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा इनको कि अपनी चीजों को उतना ही बताना जितना जरूरत है ही टॉक्स फ्लो में ये उससे ज्यादा बोल जाता है जितना इनको बोलना बताना चाहिए फ्लो में बिल्कुल सर जो नहीं बताने की होती वो भी शेयर कर देते हैं लोगों के साथ जैस. और लोग उसको यूज करते हैं यस सर दे गेट दी बेनिफिट ही लूज दी बेनिफिट्स यस सर डेफिनेटली इस पे काम करेंगे इस पे काम करना पड़ेगा ओके ठीक है जी थैंक यू सर ऐसे कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है लोगों ने अपनी पूरी पथरी दे दी कि हमारा डेटा बढ़ता है टाइम ऑफ बढ़ता है उस पे काम नहीं होगा ऐसे दैट वी विल डू इट ड्यूरिंग द जर्नी बट नॉट नाउ ओके थैंक यू सर जी किसी, किसी का कोई कोई क्वेश्चन किसी का कोई जानकारी किसी को चाहिए जयवर सिंह जी आपको कैसा लगा सर आपकी क्लास तो ऑसम रहती है सर पर थोड़ा सा फास्ट की वजह से हम उसको कवर नहीं कर पाए सर अभी आश्टा. न्यू न्यू है सर हम इतनी ज्यादा अभी पकड़ नहीं हो पाई सर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ कर रहे हैं सर धीरे धीरे कोई रिलेट कोई बात करते हैं कोई बात नहीं क्या वेलकम और कौन है सब्जेक्ट में से यहाँ पे आई एफ हिंदी यशस्वी कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो यशस्वी हाँ जी हाँ जी आ, सर हाँ हाउ इज योर अंडरस्टैंडिंग सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा मैंने बट लाइक like, जितना करा मुझे अच्छा लगा मतलब काफी अच्छे तरीके से आपने समझाया थोड़ा थोड़ा समझ में आया उनका तो. नहीं हाँ। देखो आपको याद हो या ना देखो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें याद रखना हम चाहते चाहते है हम हैं याद याद हो जाए याद नहीं होता याद नहीं होता आप मानो इस बात को याद नहीं होगा ऐसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके लिए समय पर्याप्त मिलता है धीरे धीरे चिटिंग करके काम करो नोट्स बनाओ अपने चीजों को लिखो कुछ नोट्स हम देंगे कुछ आप बनाओगे उसको बैठ के लिखेंगे उसको फर्रे बनाएंगे उसको जब जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे समय के साथ याद होगा हम चाहेंगे कि हमें सारे सूत्र याद हो जाए नहीं होते सारे सूत्र याद और यहीं पे इंसान अटक जाता है ज्योति शर्मा जी जी। ज्योति हां जी।, जी सर नमस्ते सर नमस्कार मैडम स्विच ऑन योर वीडियो जी नमस्ते सर

सर जैसे मेरी खुद की महादशा शुक्र की चल रही है और शनि की अंतर दशा चल रही है तो मुझे इसमें क्या समझना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगन, मेरी सा को है? लेके, लगन सर मेरा लगन कुंभ कुंभ लगन है और उसमें सूर्य मंगल बुध बैठे हुए शनि मेरा अष्टम सबसे पहले ये देख, देखना चाहिए ये बेसिक बात है सबसे पहले देखना चाहिए जिसकी जिस लगन की जो लगन है हमारा लगन के साथ की दशा चल रही है क्या वो फ्रेंडली प्लेनेट है या एनिमी प्लैनेट है तो कुंभ लगन के साथ शुक्र और शनि फ्रेंडली प्लेनेट है अब अगर आपकी पत्नी में योग है जो मैंने फाइनेंस के योग बताए शुक्र और शनि की दशा में फाइनेंस की पॉसिबिलिटीज अच्छी क्रिएट करता है फाइनेंस का प्रभाव बढ़ जाता है बट सर जैसे मैं क्या इसमें ये समझूं जैसे मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ मेरे हस्बैंड की ही मतलब फाइनेंसली जो तो स्टेटस है वही आपको मिलेगी ओके मतलब अगर मैं आपको जीवन okay. में फाइनेंस मिलेगा अब वो कहीं से किसी माध्यम से मिलेगा आप नहीं कमा रहे तो आपका परिवार कमा रहा है वहां से मिलेगा हां आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी रिक्वायरमेंट आपकी चाहतें पूरी हो रही हैं ठीक है अब आपकी रिक्वायरमेंट आपकी चाहते पूरे करने के लिए फाइनेंस कहीं से तो आएगा ठीक है सर मतलब इससे हम सिर्फ फाइनेंशियली ही जान पा रहे हैं अभी उसी जो आज आपने बताया हमने हमने जो आज हमने जो एक्टिविटी किया उसे फाइनेंस का टॉपिक लिया ठीक है सर ठीक है तो हमने उसी पे बात किया ठीक है सर ठीक यस यशस्वी बोलो सर जैसे अभी पूछा मेरे को सी से एक डाउट था कि जैसे कि शुक्र की अगर दशा है और उसमें अंतरदशा जुपिटर की है तो उसका क्या मतलब है? ये, ये हम हम करते हैं हम बात करेंगे इसको चैप्टर में ठीक है सर। ठीक है ये तो ये सारे ऐसे ही सब्जेक्ट आएंगे अभी ठीक इसको हम पाक करते हैं एक चीज और बताता हूँ शुक्र आप अंतर मतलब क्योंकि यशस्वी तुबारा वाला दशा नहीं लिया उसको पाक किया हमने लेकिन जो दशा ज्योति ने पूछा उसको कंटिन्यूटी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर शनि शुक्र में शनि अगर है और ट्रांजिट में भी शनि शुक्र क्रिएट कनेक्ट क्रे, करेगा आपस में तो ये दिखाएगा सेलिब्रेशन एट होम ये बताएगा सेलिब्रेशन एट होम ठीक है सर ये मैं जरूर चेक करूंगी ट्रांजिट का अपना ठीक है और ये एक अच्छा योग बनता है कि घर में कोई त्योहार घर में बर्थडे पार्टी कोई गेट टूगेदर uh, सर कैसे एक बार दोबारा बताना है? जैसे शुक्र शुक्र शनि। का ट्रांसिट योग बना हुआ है अगर चार्ट में इनके और दशा तो चली ही रही है ऑलरेडी बता रही है योग भी है शुक्र का ट्रांसिट शनि शुक्र पे कनेक्ट करता है ट्रांजिट में तो ये दशा आएगा सेलिब्रेशन एट होम

सर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कुछ स्टडी को प्रोग्रेस नहीं करेगा कुछ प्रोग्रेसिव नहीं है स्टडी को लेके या सिर्फ ये स्टडी के लिए नहीं है स्टडी के लिए बुद्ध इन्वॉल्व करना जरूरी है बुद्ध और गुरु की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ओके okay. बुद्ध और ये फाइनेंस को दिखाएगा एक्स्ट्रा मेडिटेशन को दिखाता है मेडिटेशन में निरस्ता को दिखाएगा ठीक इनको एक्टिविटीज को यह दर्शायेगा okay. अगर हमें जाना ज्ञान के ऊपर तो हमें बुद्ध और गुरु लेना पड़ेगा सर इनके साथ अगर गुरु की प्रत्यांतर और सूक्ष्म आ रही है तो वो वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट हमें पहले योग दिखना पड़ेगा लर्न टू okay. चेक योग फर्स्ट कुंडली में योग है तो घटना घटेगी कुंडली में योग ही नहीं है तो घटना कहां से घटेगी सर कुंडली में, में मेरे बृहस्पति शनि खट्टे बैठे हैं आश्रम में ंडली में गुरु और शनि दोनों अष्टम में है गुरु और शनि अष्टम में है अगर गुरु और शनि अष्टम में है आपके तो तो आपको बहुत पैरा देना चाहिए था जी सर बिल्कुल ठीक है ये आपको ज्ञान का देगा ये आपको अच्छा योग बनाए है आपने का कंटिन्यू दी स्टडी इन दी साइंसेस जी सर थैंक यू सर सुदीप जी बोले बोले सर नमस्कार सर।, सर।, सर मेरे दो ही क्वेश्चन है सर एक तो पहला क्वेश्चन ये कि इस टाइम में एक राशि एक्टिव है क्योंकि तो एक राशि के ऊपर तीन प्लान का इस टाइम दृष्टि है गुरु और राहुल तो जब किसी एक ही जगह पे मल्टीपल प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है जैसे आपने बोला किसी भी जगह पे आप लगा लो अभी एट राशि को छोड़ भी दो आप पहले करें आपने बोला मैंने सिंपल बोला आप पहले सबसे पहले तो आप ये राशि छोड़ दो घर छोड़ दो जब किसी भी एक ही प्लेनेट की जब मल्टीपल प्लेनेट की कॉम्बिनेशन एक जगह पे जा रही है तो एक तो वो प्लेसमेंट इकट्ठी हो गई तभी तो जाएगी या प्लेसमेंट इकट्ठी भी नहीं है तो लेकिन वो कॉम्बिनेशन में बैठे तब दृष्टि जाएगी ठीक आपने बोले प्लैनेट दृष्टि गुरु की मंगल की और राहु की गुरु की शनि की और राहु की और... गुरु शनि जो योग होता है इट्स ए वेरी पॉजिटिव योग फॉर प्रोफेशन राहु उसके अंदर विचित्रता पैदा करता है और राहु उसके अंदर इंसान को आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ वर्क करने की कोशिश करता है गुरु और शनि दोनों जब वृश्चिक राशि में बोला आपने दृष्टि आ रही है हाँ बिल्कुल सर वृश्चिक राशि आप अभी भी देख ले खोल के आपको समझ आ नहीं छोड़ दो ट्रांजिट हम, हमें चार लगाने की आवश्यकता नहीं है हम तो बिना उस पर कर लेंगे जी जी जब वृश्चिक राशि पे दृष्टि पड़ेगी तो मंगल का इफेक्ट पड़ेगा यानी कि इंसान की मंगल है धर मंगल धर है शरीर है देह दे. दे को काम पे लगाएगा व्यक्ति मूव करेगा प्रोफेशनली ग्रो करेगा मेहनत करेगा आउट ऑफ दी बॉक्स सोचेगा घर से बाहर जाएगा घर से बाहर जाके काम करेगा आजकल नेटवर्किंग का जमाना इंसान नेटवर्किंग के जमाने पे काम करेगा सोशल मीडिया की हेल्प लेगा और सोशल मीडिया से काम पे लगेगा किसी भी कार्य में डीपनेस में जाएगा तो सक्सेस पाएगा ऊपर ऊपर से आ, 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 पोता पोता ही करेगा तो लॉस तो कुछ नहीं मिलेगा डीप में जाएगा इट्स अ वंडरफुल गेम अगर डीप में नहीं गया तो ऊपर से क्योंकि ये करेगा तो बेकार एक बात दूसरी बात ये तो सबके लिए ही होगा ना मैं बता रहा हूँ नहीं ये सभी के लिए आएगा तो मैं वृश्चिक राशि कहां बैठी है फिर ये वहां पर डिपेंड करेगा किसकी कहां बैठी है आ, बिल्कुल। ये वरी कर अब लेटा से कालपुर कुंडली ले लो वृश्विक राशि आठ में आ गई ठीक है आठवें आ गई कालपुरुषिक कुंडली पे काल कुंडली पे जब आठ में वृश्चिक राशि आएगी तो ये योग या तो इंसान जो मैंने पहले वाली स्टेटमेंट बोली इसमें काम कर रहे हैं और नहीं तो ये योग जो है उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा ओके okay. अगर मेरा लगन ही आठ है तो क्या करेंगे आप आपका ओके वृश्चिक लगन आपका है <coughs> मतभेद पैदा होंगे लोगों से उन मतभेदों में जीतोगे क्योंकि राहु जो है जीतने की क्षमता पैदा करता है विचारों में दूसरे साथ मतभेद रहेंगे एक कड़क अप्रो, अप्रोच रहेगी एक स्वाभिमान का अप्रोच रहेगी और आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करोगे एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उससे बाहर जाकर बात करने की कोशिश करोगे आपको नहीं पता होगी तो आप ढूंढोगे गूगल से ढूंढोगे कहीं से ढूंढोगे आप ढूंढोगे लेकिन आपकी अप्रोच के अंदर एक विभिन्नता आएगी और ये विभिन्नता क्रिएट करने से आपके लिए प्रोफेशनली एक अच्छा पीरियड होगा अनेथा जो है ये आपको नीचे झटका देगी और बेजती का पीरियड देगी क्योंकि अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए इस पीरियड में ये एक मजबूत पीरियड है जहां पे आपके एफर्ट्स मांग रहा है वो और आपने अपने एफर्ट्स नहीं दिए इंसान उदा इंसान ने अः एक आ, सुस्ती का माहौल बना लिया काम नहीं करना तो ये नुकसान देगा अच्छा खासा नुकसान देगा और मान सम्मान में नुकसान देगा ठीक है

लॉजिक पे बात करेगा तर्क पे बात करेगा मेहनत से बात करेगा लोग टिक के बात नहीं करेंगे लोग आगे मिला के बात नहीं करेंगे हम्म ठीक है मतलब लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आप डिस्कस आपकी अपनी पावर एनर्जी फुल लेवल पे आएगी लेकिन आपकी उतनी मेहनत रिकॉर्ड होगी और उसमें आपने कंजूसी करी तो वो विपरीत आएगा वापस धक्का मारेगा तो समझ गया और इसमें एक चीज और ले है सर जैसे ये रविंद्र जी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम अच्छा ठीक है सर जी ये ये टिप्स है इसकी और ये बिगुनती देती है तरीके से और ये इतना फंटास्टिक इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ये जब कॉम्बिनेशन हमारे पकड़ में आने शुरू हो जाते हैं ना तो मजा आता है काम करने में मैं आजकल वैदिक करवा रहा हूँ एक बैच को उस बैच को वैधिक मैंने बहुत सारी भेनुर की उनको चीजें सिखाता चला हूँ उन्हें बहुत सारी मैंने के की चीजें सिखा दी उनको पता नहीं चलेगा कब केपी पी सीख रहे उन्हें पता ही नहीं चलेगा और बीच मैंने उनको भिग्रुंदी की चीजें बतानी शुरू कर देता हूँ क्योंकि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना इंसान को ये उसके अंदर डेप्ट में ले जाता है और ये सर में जब आता है जब इंसान ट्रेन होकर आगे जाता है तब तो दिखता है यार ये तो हमने भिग्रुदी का पार्ट भी सीखा हुआ है केपी भी सीखा हुआ है रविंदर जी आप बोले सर uh, ये जैसे कुछ प्लैनेट युति में होते हैं और कुछ प्लैनेट ट्राइन में भी होते हैं आपस जी में। जी ट्राइन वाले भी उतना ही काम करते हैं जितना युति में करते यूती, हैं युति युति पहले है और ट्राइन स्पोर्ट है मैंने बताया था ट्राइन इंफ्लुसिव है ट्राइन स्पोर्ट है युति कनेक्टिंग है स्टेट युति में डिग्री मैटर करती है और कई कई बार नक्षत्र भी एक आ जाता है सेम नक्षत्र आ जाता है नहीं, जैसे मान लो ट्राइन में शनि प्राइमरी ट्राइन देखते, देखते हैं है। प्राइमरी हम युति देखते हैं फिर ट्राइन देखते हैं ठीक है जी अदर क्वेश्चन किसी का सो ज्वाइन दी क्लास स्टार्ट योर एनरोलमेंट नाउ एंड आई एम टेलिंग यू बिगन दी जिस तरीके से हम शुरू में मैंने बोला या कोई भी सब्जेक्ट अदर माई सब्जेक्ट स्पेशली जिस तरीके से हम करते हैं जिस तरीके से हम करवाते हैं जिस फीस में करवाते हैं यू हार्डली फाइंड इन द मार्केट बिगनिंग इन तरह प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है सर इसकी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं सी क्लासेस शुरू हो गया आई थिंक चौबीस का इन्होंने डेट दिया हुआ है चौबीस सितंबर हाँ। तो ये uh, अभी हमारा वैदिक जैसे चल रहा है तो वैदिक जो चल रहा है वो तो हमारा सैटरडे संडे है ना हाँ जी ट्यूसडे एंड थर्सडे है रात बजे क्योंकि मेरे पास डेज नौ बजे है जी किसी का कोई क्वेश्चन कोई और आपने विचार व्यक्त करना चाहेगा अपना वीडियो ऑन करके कुछ बोलना चाहेगा तो बताएं ना इतने सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन वीडियो क्यों ऊपर नहीं हो रहा इनका संतावना दत्ता जी देवेंद्र बिजेंदर जी नमस्कार मैडम संतावना दत्ता जी चलो कोई बात नहीं आज्ञापाल अगले बार ग्रीन स्किल्स के लिए है नमस्कार सर नमस्कार वनम सुचारू योर वीडियो आ आ आई एम सॉरी सर बेटा सो रहा है अच्छा ठीक है कोई बात है अलाउ मी हां ऑलराइट सर आपका <laughs> क्लास तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है नो डाउट एट ऑल और एक्चुअली uh, सर मैंने ये क्लास ना ऑलरेडी एनरोल कर चुकी हूँ मैं इसको आई हैव अ वीडियोस ऑलरेडी नहीं, तो, वो पर्सपेक्टिव नहीं है पर्सपेक्टिव ये है डिड यू फाइंड रिलेटिव दिस जो हमने आज टॉपिक कवर किया डिड यू फाइंड इट रिलेटिव हां बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है वो आपने हाँ, पहले एक्चुअली मुझे वीडियोस दिया गया था पर मुझे लगता है कि आई गो फॉर आपका भी लाइव लेंगे तो मुझे एनरोलमेंट करने मिलेगा ना क्योंकि हां हां वो तो लेकिन लाइव में आप ज्यादा इंटरेक्टिव uh, होते हैं कभी भी एनी टाइम राइट लाइव में बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं जो वीडियो में नहीं आते बिल्कुल दिस इज गुड ओके थैंक यू सो ठीक है यू वर सो ठीक है फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड होप यू हैव गेट सम डिफरेंट इनसाइट्स टुडे एंड लेट्स सी यू ऑन द 24th ऑल ऑफ यू लेट्स गेट योर एनरोलमेंट्स डन फास्टर ट्वेंटी फोर ठीक है जी तब तक के लिए आज्ञा दे नमस्कार थैंक यू नाइट नाइट यू नमस्कार थैंक यू